आगामी चुनाव को देखते हुए हर पार्टी चुनावी जंग में जुटी हुई है। ऐसे में बीआरएस पार्टी जो महाराष्ट्र के रणनीति में आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति में अपनी रणनीति बना रही है, इसी श्रृंखला में बीआरएस पार्टी के पूर्व विदर्भ संयोजक चरण वाघमारे भी अपनी रणनीति बना रहे हैं। देश के राजनीति में और राज्य के राजनीति में अपन जो देख रहे हैं, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन कौन से पार्टी में, जनता एकदम सभ्रम में है। ऐसे इसमें मुझे लगता है, आपको पता है कि जब 2 जुलाई को अजीत पवार और उनके टीम ने महाराष्ट्र के शिंदे सरकार में शामिल होने का शपथ विधि लेके निर्णय लिया, उस पर अपने को समझ में आया था कि शरद पवार को छोड़ के ये लोग गए। 8 दिन के पहले जिस तरीके से शरद पवार और अजीत पवार की गुप्त बैठक हुई, उसमें पता चला और जनता में मैसेज गया कि दोनों चाचा भतीजे एक ही है। उसके बाद में अभी कल परसों जो नवाब मलिक जी है, उनको बेल मिली, उनको मिलने के लिए सरकार के वित्त मंत्री अजीत पवार गए, साथ में उनके प्रफुल्ल पटेल भी गए, अनिल देशमुख जी भी गए। उस पर से ऐसा समझ में आया कि नवाब मलिक जी का भी सरकार को समर्थन है। जिस विषय को लेके भारतीय जनता पक्ष ने और ईडी और सीबीआई के माध्यम से नवाब मलिक के ऊपर खटला दाखिल किया था, अब वो विषय इतना गंभीर था कि एक उनके ऊपर देशद्रोह का खटला दाखिल हुआ था। जो देशद्रोही है दाऊद इब्राहिम, उसकी प्रॉपर्टी खरीदी के व्यवहार में उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और उसी को लेके प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर भी ईडी की कार्रवाई है। भारतीय जनता पक्ष की हालत, उस पर से समझ में आता है कि हालत कहीं तो भी जनता के बीच में खराब होती जा रही है, उसको लेके उनको कोई भी चलता है। जिनके ऊपर आरोप किए, जिसको कभी क्लीन चिट मिली नहीं, 27 जून के सभा में भोपाल के नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने, आपको पता है कि देश की अगर सबसे भ्रष्ट पार्टी कोई होंगी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। अजीत पवार का नाम लेके और शरद पवार साहब का नाम लेके उन्होंने डायरेक्ट सभा में उनके ऊपर आरोप लगाया था और वही पार्टी के हाथ में देश के मुझे राज्य की तिजोरी की चाबी देना, तो जनता में ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है।